नए साल ने आने की दस्तक दे दी है और लोग तैयारियों में भी जुट गए हैं कि इस नए साल में लोग अपना अपना रेजोल्यूशन तय करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन नीतीश कुमार जो हमारे देश के और बिहार के जाने माने नेता हैं, हमारे मुखिया भी हैं, उन्होंने क्या रेजोल्यूशन तय किया है? तो उनके रेजोल्यूशन हमेशा बदलते रहते हैं और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मजबूर कर रहे हैं इस बात को कहने के लिए कि नीतीश कुमार का जो प्रेम है भाजपा से, वो एक बार फिर से हिचकोले लेने लगा है। बड़े उलट पुलट के संकेत मिल रहे हैं और ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, तो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी है और कुछ इतिहास है। ऐसी हिस्ट्री है कि जिसको दोहराई जाती है, कहा जाता है कि हिस्ट्री खुद को दोहराती है। और सबसे बड़ा चीज है कि आपका अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आज भीतर की बात में हम ऐसी ही खबर लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और पूर्व में ही नए साल की आपको बधाई देते हैं। ये साल जैसा कि हम मानते हैं कि ईश्वर ने बेहतर बिताया होगा, लेकिन बिहार के राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इस साल में कई उथल पुथल देखने को मिले। एक तरफ जहां 2 साल पहले 2020 में बनी सरकार पलट गई, वहीं नीतीश कुमार इसी बीच में कई चुनाव लड़े, जिनमें से 2 चुनाव उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव को हराया और 2 चुनाव भाजपा से के अलग होने के बाद तेजस्वी यादव हारे। यानी कि आने वाले समय में इसका आकलन जरूर होगा। आपको याद होगा कि 2 चुनाव हुए थे जब सरकार बनी थी, नई सरकार, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो 2 चुनाव हुए थे। 2 उपचुनाव में बुरी तरह से तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए तब 3 चुनाव हुए। इन चुनाव में भी 2 चुनाव में तेजस्वी यादव की हार हुई। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव को न तो फर्क पड़ा नीतीश कुमार के आने का और न ही फर्क पड़ा नीतीश कुमार के नहीं आने का। इसका सीधा मतलब है कि असर भारतीय जनता पार्टी के आने और रहने से पड़ रहा है। अब इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव यह आकलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की टीम कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है और बहुत ही इंटरनल बात, बहुत भीतरिया बात आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मन जो है हिचकोले लेने लगा है। आपने देखा होगा कि जितना खुश होकर के वो अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती मनाते हैं, उतना ही ज़्यादा खुश होकर के वो अरुण जेटली का भी मनाते हैं। अरुण जेटली के स्टैचू को भी लगवाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है और उन्हें वो अपना सबसे करीबी नेता मानते हैं। कारण था कि उनके साथ जो सामंजस्य उनका था वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के साथ रहते हुए भी उनकी कड़ी को जोड़ता था। हालांकि नीतीश कुमार भले ही कह दें कि आइडियोलॉजी अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ऐसे अलग हैं, वैसे अलग हैं, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उसकी नीतियों का और उसके क्रियाकलाप पर अपोज नहीं किए हैं। 2013 में वो अलग हुए, आपको याद होगा कि जब 2013 में अलग हुए थे तो क्या कुछ हुआ था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे तो 10 साल के बाद, हमारे यहाँ कहते हैं कि दशा 10 साल में बदल जाता है, बिहार की राजनीति भी हर 10 साल के बाद एक नया करवट ले रही है। और इस बार 2005 से 15 तक में जो कुछ भी हुआ आपको पता है, नीतीश कुमार पूरे इन 10 सालों तक एक जगह टिक करके नहीं रहे। 2005 में 2 चुनाव हुए थे, एक चुनाव में वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, लगभग 6-7 दिनों में उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा था। उस समय रामविलास पासवान की तूती बोल रही थी 27 विधायकों के साथ। रामविलास पासवान ने शर्त रख दिया था और आज के डेट में उस शर्त का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा था कि दलित या फिर अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बना दीजिए। पहले भी बिहार में दोनों ही बन चुके हैं, दलित भी अल्पसंख्यक भी, लेकिन जो शर्त रखी थी रामविलास पासवान ने वो शर्त दूरगामी परिणाम को लेकर के थी। नीतीश कुमार नहीं माने। आज भले ही नीतीश कुमार दलित प्रेम की बात करते हों, अल्पसंख्यक प्रेम की बात करते हों, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हों, लेकिन नीतीश कुमार को प्रेम अगर किसी चीज़ से है तो वो है कुर्सी। वो 2005 में स्पष्ट हो गई थी, कुर्सी के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया और इस समझौता के बाद
जिस तरह से सब कुछ नजर आया, उन्होंने 2005 में जो समझौता किया, दूसरे चुनाव में चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, भारतीय जनता पार्टी की सारी आइडियोलॉजी को लेकर के वो साथ आया, लेकिन कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है और भारतीय जनता पार्टी उन वादों से, उन अपने जो उनके मुख्य एजेंडे हैं उन एजेंडों से दरकिनार रखेगी। हालांकि ऐसा हुआ भी लंबे समय तक, लेकिन 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी का जलवा शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, नीतीश कुमार को झटका लगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से बात भी कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसे दे दिया, वैसे दे दिया, आडवाणी की चर्चा वो करते हैं, इन लोगों के साथ रह करके नीतीश कुमार ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने जिस तरह से रथ को रोका था लाल कृष्ण आडवाणी का, उसके बाद से नीतीश कुमार बिहार के सबसे चाहते जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता में रहने का मौका मिल रहा था। लेकिन 2013 में जब अलग हुए तो 2015 में उसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उन्होंने, जिसके विरुद्ध वो सत्ता में आए थे राष्ट्रीय जनता दल, उसका साथ पकड़ लिया और 2015 में लालू प्रसाद के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। हमने आपको बताया कि दशा 10 साल में बदलता है। 2015 में जो सरकार बनी वो नहीं टिक पाई और 2 साल के भीतर ही सरकार गिर गई। इसके बाद दौर शुरू हुआ 2013 से 2023 तक का। इस सफर में नीतीश कुमार 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, 2015 में फिर से महागठबंधन में जुड़े और लालू प्रसाद के साथ आए, 2017 में एक बार फिर से वो पलटी मार गए। 2017 में जिस तरह से उन्होंने पाला बदला, उसके बाद 2019 का 20 का चुनाव हुआ और 2022 में एक बार फिर से पलटी मार गए। अब इस पूरे पलटी मारने वाली बात में उन्होंने कई बात कही है जो आपको फिर से याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वोट देने जाते हैं तो आपकी बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है। मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, आपकी इतनी शॉर्ट मेमोरी होती है कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर नहीं, जो विकास करेगा उसके नाम पर नहीं, एक परसेप्शन बन जाता है, उस परसेप्शन के नाम पर आप वोट दे देते हैं, उस समय सारी भावनाएं आपकी अपने जात पर जाकर के टिक जाती है। हम सब लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे और 2020 में भी यही हुआ, 2019 में भी आपने देश का प्रधान बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को, जिस नरेंद्र मोदी को 2013 में नीतीश कुमार ने नकार दिया था, उसी नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करके और देश की सुरक्षा को के सवाल पर, देश को एक तरफ जहां उन्होंने कहा था 2013 में देश बर्बाद हो जाएगा, वहीं उसी नरेंद्र मोदी को 2019 में उन्होंने अपने सर पर बिठाया और कहा कि बिना इनके इस देश को कोई संभाल नहीं सकता है। लेकिन आज एक बार फिर से नीतीश कुमार 2013 वाली स्थिति में आ गए हैं और 2013 से 23 तक की आप समझ सकते हैं कि फिर दशा 10 साल के बाद बदली है। एक सवाल बहुत तेज़ी से जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं और जो युवा राजनीतिज्ञ हैं, जो बहुत मजबूती से बिहार में होने वाली हर छोटी छोटी घटनाओं पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, चर्चाएं करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं, ये एक अलग स्वस्थ राजनीतिक परंपरा शुरू हुई है जो युवाओं ने लोकतंत्र को एक नई दिशा देने की शुरुआत की है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो अपने पिता की विरासत पर हैं और उसी को राजनीति का सारा कहते हैं कि कमाई है उनकी। लोकतंत्र में कभी कोई लेगेसी नहीं होती है, लोकतंत्र में आप व्यक्तिगत रूप से जो जनता के बीच में सेवा करते हैं उसका इनाम आपको मिलता है। लेकिन जो नई चीज़ बनी है कि आप में कोई क्षमता नहीं हो, आप किसी नेता के पुत्र हैं तो आपके लिए कई रास्ते सुगम हो जाते हैं। खैर, इन सब बातों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं नीतीश कुमार की चर्चा। 2005 से अब तक नीतीश कुमार कई यात्राएं कर चुके हैं और जब जब उन्होंने यात्रा किया है, लगभग करीब 14वीं बार वो यात्रा करने जा रहे हैं, 13 यात्राएं वो कर चुके हैं और 14वीं यात्रा करने वो जा रहे हैं। 14वीं यात्रा का अब तक उन्होंने ऐलान नहीं किया कि ये यात्रा क्या होगी, क्या ये पुरानी यात्राओं की तरह, जिस तरह से उन्होंने न्याय यात्रा निकाला था, सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तो न्याय यात्रा निकाला था, उसके बाद उन्होंने विकास यात्रा निकाला था जो कि 2000
2010 के चुनाव से पहले हुआ था। उसके बाद धन्यवाद यात्रा निकाला था जब 2010 में भारी बहुमत उनको मिला था और काफ़ी सीटें मिली थी। उसके बाद उन्होंने कोशिश किया प्रवास यात्रा करने का, लोगों के बीच में रहते थे रात में और वहाँ लोगों से बातचीत करके समस्याओं को देखते थे। समाधान कितना हुआ ये तो वहाँ के लोग बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने विश्वास यात्रा निकाली और विश्वास यात्रा को सफलता असफलता को देखते हुए उन्होंने सेवा यात्रा निकाला और कहा कि हम अब सेवक हैं, सेवा करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने आम जनता को अधिकार बताने के लिए अधिकार यात्रा निकाला। इन सारी यात्राओं के बाद उन्होंने संपर्क यात्रा निकाला, उसके बाद निश्चय यात्रा किया, समीक्षा यात्रा निकाला। उसके अलावे आपको याद होगा कि जल जीवन हरियाली यात्रा भी वो निकाल चुके हैं, जिसको लेकर के काफ़ी उनका नाम भी हुआ था। कहा गया था कि जल संचय के लिए वगैरह वगैरह ये सब के लिए उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसके साथ साथ समाज सुधार यात्रा भी उन्होंने निकाला था, जो शराबबंदी आप देख रहे हैं ना, शराबबंदी के साथ साथ जो दहेज प्रथा थी, बाल विवाह था, इसको लेकर के राममोहन राय से तुलना होने लगी थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबसे बड़े समाजवादी का तमगा दे दिया इनको और इस तगमा के बाद कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आई कि ये पूरा का पूरा माहौल बदला हुआ नज़र आया। लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार ने पिछले करीब 5-6 दिनों में जिस तरह का अपना चरित्र दिखाया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देना शुरू कर दिया है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, वो साफ दर्शा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार का मन बदलने लगा है। इंटरनल मीटिंग का दौर भी जारी है और नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द घूमने वाले, परिक्रमा करने वाले नेता हैं, वो लगातार अब इंटरनल बैठकें कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सशंकित महागठबंधन के लोग भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात बहुत मजबूती के साथ कही जा रही है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं, उधर जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, अब वहाँ नो एंट्री का लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद सत्ता ऐसा है ना कि सत्ता का लालच बड़ी बुरा होता है और अगर नीतीश कुमार इस यात्रा के बाद, जबकि हर यात्रा के बाद कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति में उथल पुथल हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उलट पुलट हुआ है, इस यात्रा के बाद भी कई उलट पुलट की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नीतीश कुमार को हमला करते हुए कहा है कि जिस यात्रा पर वो निकल रहे हैं उससे बेहतर था कि बगल में उनके जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं उनसे मिल लिए होते, वो यात्रा कर लिए होते तो लगता कि कोई गार्जियन है। लेकिन नीतीश कुमार को उससे कोई मतलब नहीं है, अब वो परेशान हैं तेजस्वी यादव के साथ जा करके और उस परेशानी को दूर करने के लिए वो एक बार फिर से निकल रहे हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जिस तरह से साथ में आने के बाद जो मजबूती होनी चाहिए था उससे पीछे जा रहे हैं, वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर अब भीतर ही भीतर दबाव बन रहा है उनके लोगों द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके उन्होंने गलती की है, पार्टी में भी कई खेमे हो गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा से आने के बाद बिहार की राजनीति में बहुत उलट पुलट होगा, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दशा 10 साल के बाद बदलता है, अब तो 2 दशक होने जा रहे हैं, 2 बार दशा बदल गया है और एक बार और कहा यह जा रहा है कि 2024 आते आते एक बड़ा करवट बिहार की राजनीति में आएगा। इस बीच में आपने राष्ट्रपति शासन की भी बात सुनी होगी, 2024 से पहले 2023 में मुख्यमंत्री बनाने वाली बात भी सुनी होगी, 2025 में नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित करने का वाली बात भी सुनी होगी। लेकिन जदयू के लोग क्या करेंगे, जो लोग लंबे समय से झोला ढो रहे हैं इस इंतजार में कि नीतीश कुमार उन्हें भी पार्टी में कोई सेवा का अवसर देंगे, उनके भीतर जो हलचल मच रहा है वो भी एक बड़ी बात है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।